ने अपनी अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म के बारे में कर दिया है अपने रीसेंट डेब्यू में खुलासा। आखिरकार करण कुंद्रा टीवी के बाद कौन से बॉलीवुड फिल्म में आने वाले हैं नज़र, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वह आपको बता दूं कि करण कुंद्रा जो कि फिलहाल डांस दीवाने जूनियर के साथ साथ एकता कपूर के ब्रांड शो लॉकअप में एज अ जेलर भी नजर आ रहे हैं। वेल, जैसे ही टीवी इंडस्ट्री में करण कुंद्रा ने अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है, वहीं फैंस लगातार एक्साइटमेंट जता रहे हैं कि कब करण कुंद्रा की एंट्री बॉलीवुड में हो जाए या फिर टॉलीवुड में हो जाए। वेल, आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले बेहद क्लोज सोर्स से खबर भी आई थी कि करण कुंद्रा जो हैं वो एक फिल्म के शूटिंग पर हैं, वो अपनी फिल्म को शूट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फिल्म जल्द रिलीज भी होने वाली है। वेल, अब इस बात पर मोहर लगा दिया है करण कुंद्रा ने। जी हाँ, करण कुंद्रा ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और क्या आप बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, तो करण कुंद्रा ने साफ जाहिर किया कि मैं फ़िलहाल रियलिटी शोज़ कर रहा हूँ और बीच बीच में मैं बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ के स्क्रिप्ट वगैरह को भी ध्यान से देख रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ़िल्म है जिसकी शूटिंग मैंने ऑलरेडी कम्प्लीट कर दी है और वो फ़िल्म जल्द रिलीज़ होगा और कहीं ना कहीं फैंस को उस फिल्म को बहुत प्यार मिलेगा और फैंस कहीं ना कहीं उस फिल्म में मुझे बेहद ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। वेल, करण कुंद्रा ने तो साफ रिवील कर दिया है और अपने फैंस को ये गुड न्यूज़ दे दी है कि फाइनली उनका बॉलीवुड में डेब्यू हो ही चुका है। अब इंतज़ार तो है सिर्फ और सिर्फ बिग स्क्रीन पर करण कुंद्रा को देखने का। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं करण कुंद्रा को बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।